हम पैदा ही हुए नुकसान में। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अबू ने 1,10,000 रुपया ऑपरेशन भी दिया था, आपको पता है इस बारे में। तब से तरक्की हमने नहीं की। जिस दिन ये पैदा हुआ ना उस दिन इसका अबू का खर्चा हुआ, ये इसने आज खुल के बताया। चले आगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज का अपना न्यू व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। तो कल का व्लॉग हम नहीं बना सके क्योंकि मुझे कहीं जाना था, थोड़ा सा मसरूफ था मैं, तो इसलिए नहीं बना सके। आज इंशाल्लाह हम अपना व्लॉग बनाएंगे, आपको विजिट करवाएंगे। बाकी अभी इकरार रेडी हो रहा है तो उसको स्कूल छोड़ के आना है क्योंकि भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं खुद ही छोड़ आता हूँ। तो एज़ यूजुअल अगर सुबह उठे हैं तो नाश्ता भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाहर जाके मैं देखता हूँ क्या लास्ट डे की तरह उसी तरह ही धुंध है या आज थोड़ा सा क्लियर है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो उस टाइम काफ़ी धुंध पड़ रही थी। इकरार जब रेडी होता है तो फिर हम चलेंगे स्कूल के लिए, तो इंशाल्लाह फिर आगे मिलते हैं। इकरार रेडी हो रहा है और इस टाइम मैं फुल तैयारी में बैठा हूँ, पैक होके बैठा हूँ। तो जैसे वो रेडी होता है तो फिर निकलेंगे, बाकी फिर जाएंगे नाश्ता भी लाएंगे वहाँ से, या फिर नाश्ता करके सो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के तो मिलेंगे कि आज का हमारा दिन कैसा रहता है, आपके साथ शेयर करूँगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शाहब भाई और फ़हीम भाई थोड़े से मसरूफ़ हैं नाउ डेज, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिज़ी था कल परसों, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सका। एज़ यूजुअल मैंने इंट्रो में बताया भी होगा आपको कि मैं व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि थोड़ा सा मैं एक काम में मसरूफ़ था, तो बाकी इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर सका। तो इंशाल्लाह मिलेंगे उनसे भी, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकें। अगर फिर भी कोई गलती कोताही हो जाए तो प्लीज़ इंशाल्लाह सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। जहाँ भी कोई गलतियाँ हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें हम। फाइनली गाइस, ये इकरार नाश्ता कर रहा है इस टाइम, ये सुबह सुबह नूडल खाते। इकरार कैसे हो? ठीक। नाश्ता क्यों नहीं करते हैं? नूडल खाने आज थोड़ा शर्मा रहा है, ये नूडल खाते हैं। बस ये तैयार हो गया, फिर निकलते हैं हम, इसको स्कूल छोड़ के आते हैं। चलिए तो छोले भी लाएंगे आज। कैसे हो? ठीक। अभी ये नींद में ना तो बात नहीं कर सकता फिर। तो बाकी अभी हम निकलते हैं थोड़ी देर तक, बस स्कूल निकलते हैं, स्कूल छोड़ के आएंगे, फिर अपने चने भी लाएंगे आज। तो फाइनली गाइस अभी मैं शूज पहन रहा हूं। बैठ के पहनते हैं शूज, पहनो। इकरार रेडी हो चुका है, आज अकेले जाओगे? चलो निकलो। तो गाइस आज बड़ा अच्छा मौसम है, तो अभी मैं स्कूल निकल लूँ, तो फिर बाद में आपसे मिलते हैं। आओ बैठो। फाइनली इसको मैं स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, पीछे बैठा हूँ। देखिए आज काफ़ी अच्छा वेदर है, आप देख सकते हैं। स्कूल जा रहे, बाकी इस टाइम हम जा रहे हैं चने लेने अपने, तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली इस टाइम हम चने की दुकान पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से चने लेते हैं फिर निकलेंगे आगे की तरफ। यार ये 50 के चने, दो नान दो, ये चने सारे डाल दो। चुका हूँ इकरार को, मैं स्कूल छोड़ आया हूँ। धुंध नहीं थी आज लेकिन सर्दी थी काफ़ी थोड़ी सी, क्योंकि बादल से आए हुए हैं तो सर्दी तो हुई, सही बात है। और इस टाइम मैं अपना नाश्ता ले आया हूँ, तो बस नाश्ता भी करते हैं, तो फिर हमारे चने देख सकते हैं, काफ़ी लजीज चने हैं यहाँ के, फ्राइड चने से कहते हैं। ये साथ रायता है और ये साथ कुलचा, नाश्ता करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम मैंने
चाय भी पी ली, बल्कि पी रहा हूँ। तो इसके बाद फिर मैं सोऊंगा, फिर सुबह उठ के आपको विज़िट करवाऊँगा जहाँ जहाँ मैं गया, तो इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होती है। तो फाइनली इस टाइम मैं काम पे निकल चुका हूँ और थोड़ी सी मसरूफियात थी, दो तीन चार दिन से व्लॉग नहीं बना सका, तो आज हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे और जहाँ जहाँ भी मौका मिला तो कैप करेंगे, जितना जितना मौका मिलता है उसके हिसाब से हम देखेंगे। बाकी अभी इधर हमारे एक दोस्त हैं हारून भाई, हारून भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे हारून भाई हैं भाई, इनके दोस्त बैठे हुए हैं नदीम भाई। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत है? खैरियत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हारून भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस सर बैठे टाइम पास। चाय से मंगवाई हमारे लिए? सर आप बैठे ना, चाय मंगवा। क्या बैठे आप, एक कुर्सी पर बैठ गए, दो कुर्सियाँ। बैठने का मौका ही नहीं देता ये बंदा, फिर कहता बैठे। और आज जिसने पूछे देखे जरा दबंग स्टाइल में फिर रहा है ये बंदा। तो बाकी मैं तो कहता हूँ आगे निकलते हैं, बाइक कहीं पार्क करें ना, उधर आगे जाके पीते हैं। आप बाइक कल यहाँ से चोरी हुआ, यहाँ ही पार्क करना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आपसे मुलाकात हुई थी गांव में? बिल्कुल हुई। आपने व्लॉग देखा होगा हमारा कि नहीं? जी जी होगा आपने। देखें आप बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की थी यार इस बंदे ने, अरुण भाई से गांव गए थे हम, इससे स्पेशल मिल के आए हैं यार। इसकी भाई की वलीमा अटेंड किया था हमने, और नहीं बुलाया भाई ने, बुलाया लेकिन आने वाला बंदे नहीं, बड़ा दूर में। और हबीब भाई आएंगे नहीं आए? छुट्टियाँ कितनी छुट्टियाँ हैं? तीन चार दिनों। अच्छा गांव में शिफ्ट हो गया या इधर आएंगे अभी? इधर आएंगे। अच्छा मैंने कहा ये ना कि बस भाभी के साथ भाभी बन जाए, भाभी हो गई। चले हम निकलते हैं यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ चाय पिलाएं आपको? कुछ चाय पिलाएं यार, खुदा के बंदे ये देखे व्यूअर्स ये हाल है, हम दुकान में आके इनको चाय का पूछ रहे। अरुण भाई ये बताएं यहाँ पे तो काफी लोग वॉक कर रहे हैं, ये टाइम वैसा ना वॉक का? हाँ नहीं ये टाइम तो है वैसे। अच्छा क्या कह रहे थे आप? ये हमारे टाउन का एक छोटा पार्क है जी। अच्छा यहाँ अच्छी फैमिली आते हैं रात शाम को। अच्छा आज अच्छी तो क्या मतलब, बुरे लोग भी आते हैं यहाँ? ज्यादा फैमिली आती हैं। अच्छा और छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। अच्छा माहौल ऐसा है कि आपको कोई आपको फालतू इंसान नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, बच्चे वगैरह भी हैं और काफी ग्रीनरी है यहाँ पे जी, और टाइम पास के लिए अच्छी जगह है। सही बात। आप कहाँ गायब थे इतने दिन? सर काम पे, सुबह निकलते हैं काम पे रात को वापस। मैं खुद इस पार्क में बड़े अच्छे बाद आया हूँ। मेरे साथ आते थे ना? आपके साथ आया हूँ और आज आया हूँ। मेरे साथ आता था ये बंदा और आज मैंने इसको फिर पकड़ा, मैंने कहा चलो यार एक व्लॉग इसके साथ बना लेते हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ? काम शाम कैसे चल रहे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। चलो आप राजी हो तो फिर तो अच्छी बात है, अगर राजी हो तो फिर हर हाल में शुक्र होना चाहिए अल्लाह का। राजी हो तो फिर इंशाल्लाह होता रहता है। मैं तो कहता हूँ कि बैठते हैं यार, कुछ सब्सक्राइबर इनको जानते हैं, कुछ सब्सक्राइबर इनको नहीं जानते हैं। अगर जो नहीं जानता तो ये हमारे हारून भाई हैं, मैं इनके साथ में पहले काम करता था, लेकिन अभी भी काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो पार्टनरशिप थी पहले हमारी थोड़ी, लेकिन इन्होंने मोर्चा छोड़ दिया, खुद ही छोड़ा, मैंने इनको नहीं छोड़ा। अरुण भाई मुझे आपने बड़ी जबरदस्त रखी है यार, सही इसका क्या राज? क्या भाभी के डर से तो नहीं छोड़ दी मुझे आपने? नहीं मूछों का भी एक राज है। अच्छा कि बीमार हुआ था, मूछें बढ़ गई थी फिर काटी नहीं। नहीं तो चाहिए था साथ दाढ़ी भी छोड़ दे आप, पहले क्लीन शेव था। अच्छा नहीं मेरे साथ तो ये बंदा क्लीन शेव फिरता रहा है, पता नहीं ये किन की सोहबत में बैठा है जिनकी वजह से ना इसने ना मतलब मुझे छोड़ दिया। आप मेरे हाल में बदमाशी तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं तो चले अल्लाह खैर करे। काम से निकले थे दोनों, तो हमने कहा चलो यार इनके साथ भी थोड़ा व्लॉग बना लिया जाए, थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं इनके साथ भी। लेकिन बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, बहुत अच्छे भाई हैं मुझे, ये मेरा एक भाई अजान भाई उनके भाई हैं, तो बस हमारे समझ लें नेबर्स में भी आते हैं, तो निकलते हैं हम यहाँ। कादर भाई अस्सलाम वालेकुम। कादर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है।
वो यार असल में ऐसा है कि थोड़ा सा आपको पता है ड्राइवर है वो थोड़े से तो बिजी होते हैं वो थोड़े मसरूफ होते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा चलो आज अरुण भाई से खिदमत लेते हैं, थोड़ा सा इनको फिराते हैं अपने साथ। बैठते हैं यहाँ पर, हम आपको ऑल टाइम मिलेंगे। अच्छा, घर शर्ट चाहिए हो तो इधर हमारा है, ये हमारा ओपन रियल एस्टेट है, ये इनका छोटा सा ऑफिस है भाई। आप ये हमारी ओपन रियल एस्टेट है, बहुत छोटा सा सेटअप है लेकिन अच्छा ऑफिस है इसका। ये सब ऐसे समोसे समोसे वाले हैं, ढाबे शाबे वाले समोसे खिलाते हैं यार। आज आप फ्री हैं कि किधर निकलना है? कौन से बात कौन से बात जी शाम को जाएंगे, मेरे पास आईफोन 7 है वो भी सेल करवाना है। कादर भाई कुछ ये हमारे बड़े अच्छे भाई है, एजाज हफ्ती जी ठीक हो गया, ये इनका प्यार है ठीक हो गया, और ये इन्होंने अभी चैनल बनाया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट दे भाई को। ठीक है भाई, बड़े अच्छे अच्छी वीडियो बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से हम कि यार अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं। आप लोगों की दुआ से ये भाई आगे जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बाकी मैं बता रहा था कि हारून भाई ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ है, ये घर में कोई सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने, चावल बनाते हैं, कोई बिरयानी बना लेते हैं, किसी ने भी कोई ऑर्डर देना हो तो देख वगैरह का ऑर्डर, छोटा मोटा ऑर्डर ये नहीं लेते, ये मतलब पहले से इन्होंने ब्रांड बना दिया अपना भाई। फूड का गोश्त निकालना चाहते हैं भाई, इसका जैसे फूड का गोश्त निकालने के चक्कर में है तो छोटे मोटा काम नहीं करता, ये कहता है किसी बंदे को पकड़ू यहाँ से फूड का गोश्त निकले। फूड क्या होता है पहले बताया मुझे तो यार, आपको नहीं पता फूड इसको कहते हैं यार। अच्छा, पाटा फूड उसको कहते हैं, आप अक्सर गोश्त वगैरह देते हैं ना, कोई कहता है चाप दे दो, कोई कहता दस्ती दे दो, कोई कहता फूड का गोश्त दो, तो ये भाई पुट का गोश्त निकालने के चक्करों में है। नाजरीन ये पुट लफ्ज मैंने पहली दफा सुना है तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बहुत लॉन्ग टाइम अगो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा से आज मेरे दोस्त मसरूफ थे, मैंने कहा आप लोगों को पार्टनर बस पार्टनर भी कह सकते हैं उनको मेरे, और नहीं आपके दोस्त मसरूफ थे, हम आपके दुश्मन हैं। नहीं आप दोस्त हैं तो बैठे होने यार आप ऐसे क्यों। फाइनली इस टाइम हमने चाय पी ली और इस टाइम हम बस थोड़ी देर तक निकलेंगे, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बैठ के। काफी भाई बहुत शुक्रिया फॉर द नाइस टी, निकालो ना यार निकालो ना, कोई मतलब नहीं है। और अरुण भाई भी बैठे हुए हमारे साथ किसी से बात कर रहे हैं, तो शाम को इंशाल्लाह फिर निकलेंगे, पक्की बात है ये ना, फिर गोली ना करवा लेकर इंशाल्लाह। फिर मैं भी देख ले या वो ले लो, 7 ले लो मेरे से, 7 नहीं लेना छोटा है ना यार, मुझे ये कह रही निकल रहा है इसलिए मैं निकल रहा हूँ। कादर भाई बहुत शुक्रिया, बस ठीक है शाम को मिलते हैं इंशाल्लाह, शाम को मिलते हैं अरुण भाई जाएंगे, मैं निकल रहा हूँ एक काम से जाना है मैंने, तो इंशाल्लाह शाम को मिलते हैं, मुलाकात होती है ठीक है ना। ठीक है फाइनली इस टाइम हम कादर भाई के घर पहुंच चुके हैं, प्लान तो हमारा शाम का था लेकिन मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार शाम तो वैसे भी हो गई चलो अभी निकलते हैं, तो बस अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर तक। कादर भाई आ रहे हैं ऊपर से, इन्होंने अपना फ़ोन सेल करना है तो मैं भी एक इरादा बन रहा है कि एक फ़ोन देख लूँ, क्योंकि स्टोरेज का थोड़ा सा मसला आ रहा है, और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करेंगे अगर टाइम मिला तो, शॉपिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर कादर भाई आ चुके हैं, कादर भाई चलें, चलो मैं बस ये देखो। हमने नमाज पढ़ी, नमाज का टाइम था तो बस निकलते हैं यार, क्योंकि मैंने ये ना इसलिए हमने डिसाइड किया कि शाम के टाइम काफ़ी ठंड हो जाती है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अभी निकल जाए, आएगा तो कादर भाई ये हम पहुँच गए, अभी देखते हैं, मैंने अपना मोबाइल देना है, एजाज भाई ने अपना मोबाइल लेना है, अगर मिल गया आज तो इंशाल्लाह लेंगे मोबाइल, बीच में हम वो करते हैं। फ़ोन महंगे यार बहुत महंगा है, और मेरा फ़ोन छोड़ो वाला रेट पे ले रहे हैं, फ़ायदा तो नहीं हुआ ना, अगर लेने पे आओ तो अभी कितना रेट लगाया, 24,000 रुपया लगाया जी, iPhone 7 128 GB प्रूफ का। अच्छा, ये 6S रेट पे मिलता। आप कितने का कह रहे हैं? यार मैं कह रहा हूँ कोई बारह वाले रेट दे जाए, यानी 27-28 पे मैं दे दूँ, क्योंकि आपको पता है मोबाइल दो साल पहले नुकसान हो गया, इमरान खानी है आजकल हर चीज़ महंगी हुई, दो साल पहले नुकसान हो गया, हम पैदा ही हुए नुकसान में,
मैं जब पैदा हुआ तो मेरे अबू ने 1,10,000 रुपया ऑपरेशन भी दिया था, आपको पता है इस बारे में। हमने नहीं की, जिस दिन ये पैदा हुआ ना उस दिन इसका बुआ खर्चा हुआ, ये इसने आज खुल के बताया। चले आगे क्या कह रहे थे? इस भाई के पास आए हैं, इस भाई ने तो हमें बड़ा डरा छुड़ा दिया, ठीक हो गया। यकीन भाई ने पास अच्छे पड़े हुए हैं काफ़ी। मोबाइल लेने भी ना जाओ ना बेचने जाओ, जो मोबाइल आप लोगों के पास है वही इस्तेमाल करो, ठीक है। हम फिर रहे मार्केट में, मोबाइल नहीं मिल रहा। कादर भाई बहुत परेशान है यार, बड़ा गंदे रेट लग रहे हैं मोबाइल के। मेरे तो फिर भी अच्छा लगे, इसका एक मोबाइल है मेरे मोबाइल का तो बिल्कुल 15,000 लगा रहे हैं। तरीका होता है यार, 38,000 का मैंने लिया था, एक मुझे 15 कह रहा है, एक 26 कह रहा है, तो वो 26 वाला भी मुकर गया, वो कह रहा है भाई 22 का दूंगा, क्योंकि मैं जरा ज़्यादा फेर गया था ना मार्केट में, तो इसलिए। इस टाइम कादर भाई ने फोन भेज दिया, कादर भाई हो गया गुजारा के लिए। बस यार इस टाइम मैंने नुकसान किया तकरीबन ना करते 4,000 से 5,000 की दस खाई है। आप पैसे बड़े तरीके से गिनने लगता है, पहले पैसे इमरान खान का दौर है, आपको पता होना चाहिए कि पैसे कितनी कीमती है, ठीक हो गया। बाकी आपसे मिलते हैं फिर, बाकी मुझे तो कोई फोन नहीं मिला, इन भाई को तो नहीं मिला, भाई का तो बड़ा गंदा मोबाइल था, यानी कि गंदा नहीं था, साफ था मोबाइल, लेकिन 15,000 छोड़े वाला रेट लगा भाई को, समझ में नहीं आया। अपना फोन बहुत महंगा भेज रहा था ना, मसला ये तो इस टाइम फाइनली कादर भाई ने तो मोबाइल सेल कर दिया है, और अभी हम निकल रहे मार्केट के लिए थोड़ी शॉपिंग करनी, बाकी इस टाइम फाइनली हम बस निकल रहे हैं घर की तरफ, काफ़ी थक गए थे तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह कल फिर जाएंगे शॉपिंग तो चीज़ें तो है ही महंगी, लेकिन ये है कि अभी हम स्टिंग पी रहे हैं, इन्जॉय कर रहे थे, थक गए थे काफ़ी। फोन में गए तो वहाँ पर भी 1.5 के रेट चल रहे थे। तो चले इंशाल्लाह अभी रास्ते में आपको कंटिन्यू करते हैं, फिर अपना ब्लॉग एंड करेंगे जब कादर भाई को ड्रॉप करें। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने स्टिंग दिया, ठीक हो गया सर, टाइम ही टाइम आप। इस टाइम हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं, काफ़ी थक गए मैं, एक दो काम थे वहाँ गया था, एक मोबाइल मार्केट गया था, लेकिन मोबाइल अनफॉर्चुनेटली फिर से नहीं मिला। तो आज कादर भाई साथ थे, बहुत टाइम बाद हम मिले, क्योंकि कादर मेरा असल में कॉलेज फेलो भी था, और एक अरुण भाई हैं वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उनके साथ भी काम करता रहा हूँ किसी वक्त में, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ भी मिल के। और इस टाइम मैं घर आ चुका हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, तो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर अभी तक हमारा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती कोताही हो गई हो हमसे तो नए हैं, इंशाल्लाह सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे हम अपने व्लॉग में। कोई भी गलतियाँ हैं, कोई जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हो गई अपने कमेंट्स करके बताएँ हमें कि कहाँ कमी पेशी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।